to my youtube channel this side mahi hope you all are doing well in your personal and professional life both so in today's video we are discussing about the वाइट ओक वुड इससे पहले हमने रेड ओक वुड और वट इज ओक वुड वर्क किया है और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं दिखे हेयर इज द आई बटन आई बटन पे क्लिक करिए और जल्दी से वन एंड पार्ट टू देखिए एंड अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट के बारे में दिस इज ऑल अबाउट वाइट ओक वुड बारे में जाते हैं तो हम इसमें पहले बात करेंगे नेम के बारे में देन सेकेंड बात करेंगे वेयर्स केम फ्रॉम कहाँ से आती है एंड देन थर्ड बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में तो पहले इसके नेम की बात कर लेते हैं इसका नाम जो है दैट इज वाइट ओक वुड जिसको हम कुछ साइंटिफिक

एडवांटेजेस होते हैं इससे तो पहला आता है काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एंड हार्ट होती है हम फोर्सली अगर कभी भी कोई भी वुड लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि उसकी क्या स्टेट है किस हद तक उसमें स्ट्रेंथ है कि वो को झेल सके तो बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है देन अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो वेदर रेजिस्टेंट। वेदर रेजिस्टेंट अगर मीन है तो इसको कोल्ड और हॉट दोनों क्लाइमेट में यूज़ कर सकते हैं इंडोर एंड आउटडोर दोनों में यूज कर सकते हैं देन थर्ड आपका आता है ईजी वॉकेबिलिटी विथ टूल्स दैट मीन्स हम टाइटल लिस्ट में देखा जाए तो आज के समय में बहुत ज़्यादा टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है राइट right? हम ये ऐसे ही वुड चाहते हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगे बहुत अच्छे से उसमें टूल्स फंसे भी ना एडजस्ट भी हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा फर्नीचर निकल के आ भी जाए तो बेसिकली इस वुड के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो टूल्स अच्छे से इसे कट कर पाते हैं ना तो वुड टूटती है एंड ना फंसते हैं टूल्स उसमें या हमारे टूल्स ख़राब भी नहीं होते और हमारा टाइम भी सेव होता है तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है आइटी लिस्ट में हमारा ये पॉइंट सबसे पहले आता है कि कितने टाइम पीरियड तक चलती है तो बेसिकली ओक वुड में टीक वुड से थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है लेकिन ओक वुड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपके फर्नीचर में थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम पीरियड तक बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है next, हम फिफ्थ बात करते हैं लो मेंटेनेंस इसकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी लो होती।, होती है वुड के एप्लीकेशन एरियाज़ काफ़ी सारे होते हैं जिसमें से एक सीलिंग आती है सीलिंग पे भी ओक वुड को यूज़ किया जाता है लो मेंटेनेंस इज दैट मीन्स कि आप हमेशा हर बार एवरी डे आप साफ सफाई नहीं कर सकते उसकी उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते और मेनली बात अगर हो रही है डाइनिंग की लिविंग की अगर वहाँ पे सीलिंग में आपने ओक वुड यूज़ किया हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोई भी वीड को क्लीन करने में लेकिन इसमें लो मेंटेनेंस है आपको रेगुलर क्लीन नहीं करनी पड़ती वहाँ पे आपका मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है वो सेव हो जाता है एंड फिर सेकेंड आपका आता है वुड में स्मॉल पोर्स होते हैं जो मॉइस्चर को प्रिवेंट करके रखते हैं जिससे कि वुड को डैमेज नहीं होता है नेक्स्ट सेवंथ आपका आता है श्रिंकिंग एंड वापिंग रजिस्टर वेदर की वजह से काफी सारी वुड्स होती है जो श्रिंक एंड इंक्रीज हो जाती है वाप हो जाती है लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी वुड को छोटा करके या मुड़ने का कोई डर नहीं होता देन लास्ट नॉट दी लीस्ट आपके पास आती है वेल विद फिनिशेज टेक्सचर की वजह से इस पर फिनिशेज बहुत अच्छी और शाइनी लगती है okay, ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट और वुड के डिसएडवांटेजेस के बारे में कॉन्स के बारे में तो किसी भी अगर हम वुड को यूज कर रहे हैं तो उसके कॉन्स भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसके एडवांटेजेस जानना इंपॉर्टेंट है बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है कैन रिएक्ट विद आयरन कॉज डिस्कलरेशन एंड स्टेन अगर हम इस वुड को किसी और आयरन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेसिकली इसका कलर डल हो सकता है डिसकलर हो सकता है बहुत थोड़ा फेड हो सकता है एंड इस पर स्टेन्स आ सकते हैं बहुत ईजिली देन अगर हम सेकेंड बात करें सेकेंड आता है इसकी जो इम्पोर्टिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है एक्सपेंसिव होती है क्यों बिकॉज इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है एंड इसको बाहर की कंट्री से मंगवाना पड़ता है नॉर्थ अमेरिका से मंगवाना पड़ता है जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टिंग कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है देन अगर हम थर्ड बात करते हैं ओक वुड कांट स्टैंड विद हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हाँ में ये ज्यादा नहीं रह सकती कलर होता है टेक्सचर होता है काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है यूज कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड स्पेसिज़ में बट ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप इसको नहीं इसका डिसएडवांटेज आता है हार्ड टू फाइंड या आइडेंटिफाई ओक वुड बेसिकली मार्केट में 500 टू सिक्स हंड्रेड स्पीशीज़ अवेलेबल है जिसमें से ट्रो स्पीशीज़ को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है या फिर अच्छी जो ओक निकल जाए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सबके अपने अपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन एरियाज एरियाज हैं और हमें सबके बारे में उसके की उसको यूज किया जाता है कहां पे नहीं किया जाता तो तो वो पर्पस हमें एक्जैक्टली exactly नहीं पता होते जिसकी वजह से हमें थोड़ा फाइंड करने में मुश्किल हो जाता है कि फिफ्थ पॉइंट इज हैवी वेट टीक से थोड़ा खम लेकिन हैवी होती है तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में मुश्किल हो सकती है नेक्स्ट लास्ट नॉट लिस्ट डिस का आता है डार्क ओवर टाइम पीरियड जैसे कि टीक थोड़ी सी डार्क हो जाती है अगर वो आउटडोर में रखी हुई है लेकिन वो नॉर्मली ठीक हो जाती है वैसे ही ओक वुड के साथ भी है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन एरियाज के बारे में बेसिक रेजिडेंशियल एरिया में व्हाइट वुड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है फर्स्ट जो मेन है दैट इज फर्नीचर फर्नीचर में बहुत अच्छे से कवर अप हो जाती है ये अच्छे से डल जाती है देन सेकेंड आता है आपका फ्लोरिंग्स फ्लोरिंग्स में बहुत अच्छा लगता है इसका मीडियम ब्राउन कलर है ये बहुत सुटेबल है इनहेंस करता है लोग को देन थर्ड आता है कैबिनेट किचन कैबिनेट में बहुत अच्छे से यूज होती है बिकॉज ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी होती है देन अगर हम बात करते हैं फोर्थ की तो फोर्थ पे आता है वॉल पैनलिंग वॉल पैनलिंग पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है लाइट कलर देन अगर हम बात करें लास्ट नॉट दीस्ट इस किचनवेयर्स और होम किचन किचनवेयर्स और होम होमवेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इसका मीडियम ब्राउन कलर है एंड मीडियम ब्राउन कलर के किचन वेयर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं आपके किचन को अदर एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे आपकी वाइट ओक वुड को यूज़ किया जाता है तो पहले आपका आता है इंटीरियर्स देन सेकेंड आपका आता है एक्सटीरियर ज्वाइनरी जो भी एक्सटीरियर्स की ज्वाइनरी हो गई जॉइंट्स हो गए वहाँ पे देन थर्ड आपका आता है विनियर्स आप विनियर्स में यूज कर सकते हैं देन फोर्थ आपका आता है इंटीरियर वुड वर्क के स्माल प्रोजेक्ट्स बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत छोटे छोटे बॉक्सिस में यूज हो जाते इट होप आपको वीडियो पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन प्रेस 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 द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट